हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। एक खास दिक्कत जो आपको हमेशा होती है, सीएसवी फाइल को डेटा फाइल हैंडलिंग के तहत अगर हम फेच कराना चाहें, अगर मान लीजिए आपने कोई सीएसवी फाइल बनाई, अब सीएसवी फाइल कैसे बनेगी? तो सीएसवी फाइल आप पाइथन में भी बना सकते हैं, एक्सेल में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सेल में बना के दिखाता हूँ। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया क्या, नेम। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NAME नेम, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास CLASS। तो ये आपकी CSV फाइल बन रही है। लेकिन आप कहेंगे कि CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और यहाँ तो कहीं कॉमा दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इस फाइल को एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस ये जो फाइल है ये इसमें कॉमा ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी तो ये CSV फाइल बन रही है, अभी देखिए फिलहाल ये बन कैसे रही है। तो ये हो गया राम श्याम, यहाँ पे नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है, लोकेश सुमित जो भी नाम है वो यहाँ पे दे दीजिए। सुमित हो गया, अमित हो जाएगा यहाँ पर, AMIT अमित हो गया, ठीक है। तो ये नाम लिख दिए कुछ हमने, और यहाँ पर 12th हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे 11 कर दिया हमने। अब ये क्लास का नाम लिख दिया, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे, तो फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसे सेव करने वाले हैं हम। तो डेस्कटॉप पर जाकर के, और यहां से देखिए ये आएगा, ये देख सकते हैं CSV कॉमा डिलिमिट जो आ रहा है ऊपर वाला, ये फाइल, इसमें इसको सेव करना है। और इसका नाम क्या दे देंगे हम, इसको नाम हम दे देते हैं माई सीएसवी, ठीक है, MySCSV, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं MySCSV, ये हो गया, और अब एंटर कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगी फाइल हमारी। ओके कर देंगे तो ये सेव हो गया फाइल। अब इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज करके अब इसको पाइथन पर हम फेच कराएंगे। कैसे, देखिए फाइल पे गए, ठीक है, डेटा फाइल हैंडलिंग के तहत ये सब आप सीख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हमने इम्पोर्ट, और यहाँ पे चूंकि पांडास लाइब्रेरी आपके में इंस्टॉल होना जरूरी है, अगर ये नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिएगा, कमांड होता है pip install pandas, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्ट पांडास किया हमने, फिर यहाँ क्या करेंगे, यहां पर हमें एज PD एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें यहां पर एक कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने बना लिया डाटा नाम से, और यहां पे क्या देंगे, यहां पे लिखेंगे PD, क्योंकि वहां पे PD ही दिया है, डॉट रीड, हमें रीड करना है, तो ये रीड किया और अंडरस्कोर CSV लिख दिया। अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल डॉटेड कॉमा ओपन किया और ये क्लोज किया, और इस डबल डॉटेड कॉमा के बीच में वो पाथ आएगा जो फाइल हमने सेव करी है डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर कहाँ है फाइल, तो ये MySCSV नाम से है, देख सकते हैं, और ये प्रॉपर्टीज पे जाना है और ये पाथ आपको कॉपी करना है। ये जो पाथ आपको दिख रहा है ना, ये पाथ आप यहां से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके और यहां पर पेस्ट कीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, यहां पर आप इसे पेस्ट कर दीजिएगा, और पेस्ट करने के बाद यहां पर ये डबल स्लैश लगा के रखिएगा इस तरीके से। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिएगा, और ये करने के बाद यहाँ पर फिर वापस से डबल स्लैश लगाएंगे। चूंकि फाइल का नाम क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो फाइल का नाम ये है हमारे, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ये फाइल का नेम कॉपी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पाइथन वाले फाइल पर, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं उसको। पेस्ट कर दिया, अब क्या करना है, तो अब यहां पर ब्रैकेट को क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर करके नीचे आए, यहां पे प्रिंट लगाएंगे, और यहां पर किसको प्रिंट कराएंगे, डाटा को प्रिंट कराएंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, डाटा को, और यहां से F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये सेव करेंगे, तो यहां पर CSV कुछ करके .py लगा देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, .py लगाइएगा, py लग भी जाता है अपने आप, एंटर करके अब इसको सेव करिए, और आप देखेंगे कि यहां पर वही फाइल आपको निकलती हुई दिखाई देगी। लेकिन आप देख सकते हैं एक्सेल में जब ये बनी थी तो इसमें कॉलम्स और रोज वगैरह भी थे, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो ये आपकी CSV फाइल है, और इस तरीके से आप एक्सेल पर CSV फाइल बनाएंगे और पाइथन पर फेच करा लेंगे। अब पाइथन पे बनाए और पाइथन पे ही आ जाए वो भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। ये तभी होगा जब पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल होगा। आपको इंस्टॉल कहां से करना है, CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है यहां से। ये देखिए ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिएगा और इसको ओपन कर लीजिएगा, और ठीक है यहां पे करिएगा pip install pandas PANDAS, तो ये हो जाएगा, और जैसे ही करेंगे ना तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इंस्टॉल ऑलरेडी हमारे में है, तो दिखा रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लेकिन अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो
ये जो है इंस्टॉल होने लगेगा अपने आप। इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है और फिर इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपने देखा कि किस तरीके से आप CSV फाइल इसमें लेके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है।